हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे एक न्यू वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोग को मोकामा 6 लाइन गंगा ब्रिज का अपडेट दूंगा। यहाँ देख सकते हैं, और इसके आगे भी मैं लिए जाऊंगा और दिखाऊंगा कि कितना काम हुआ, कितना काम बचा हुआ। और एक ही फ्रेम में देख सकते हैं किस तरह से आप लोग को कतारबद्ध में पिलर देखने के लिए मिल रहा होगा। देख सकते हैं, जब यह काम पूरा हो जाएगा तो काफी लाभ मिलने वाला है बिहार को। और ये देखिए आप लोग किस तरह से ये पूरा का पूरा देखने के लिए मिल रहा होगा। और मैं बता दूं, अगर यह गंगा ब्रिज का काम पूरा कर लिया जाता है तो बेगूसराय के लोगों को काफी सुविधा होगा। अगर मैं बात करूं तो जैसे कि राजेंद्र सेतु देख सकते हैं, वहां आप राजेंद्र सेतु पे बड़ी गाड़ी का आवागमन बंद है, जिससे मैं अगर बालू की ही बात करूँ तो लोग 10,000 रुपया महंगा खरीदते हैं, क्योंकि राजेंद्र सेतु पे बड़ी गाड़ी का आवागमन बंद है। यह बन जाएगा तो बेगूसराय के लोगों को काफी सुविधा मिलने वाला, साथ ही पटना के लोगों को भी, क्योंकि उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ दिया जाएगा और कनेक्टिविटी काफी मजबूत हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, एशियाज वाइडेस्ट गंगा ब्रिज है यह, और सिंगल स्पेन पे खड़ा, 32 मीटर चौड़ा और लगभग 1.8 किलोमीटर का गंगा ब्रिज है, और लगभग 1165 करोड़ की लागत से यह गंगा ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। और SP सिंगला नाम की कंपनी इस गंगा ब्रिज को बना रही है, उसी को टेंडर मिला है। वहाँ जो हैंग किया हुआ है वहीं पर काम किया जा रहा है, और किस तरह से वर्कर नाव से जाते हैं और वहाँ काम करते हैं, ये देख लीजिए। ये जो बीच में जो देख रहे हैं, ऐसे जलस्तर के जो बीचों बीच है 3 पिलर, उस पर काम को रोक दिया गया है। और उससे पहले जो है पिलर, वहाँ फिलहाल सुपर स्ट्रक्चर को लॉन्च किया जा रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से वर्कर जाते हैं ये नाव से, और ये यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं यहीं पे काम चल रहा है फिलहाल, ये देख सकते हैं यहीं पे काम चल रहा, और किस तरह से नाव से वर्कर वहाँ जाके काम करते हैं। 18 पिलर में से 15 पिलरों पे काम कर लिया गया है, सुपर स्ट्रक्चर को भी लॉन्च कर लिया गया है, और बीच में जो बीच धारा के 3 पिलर है उस पर फिलहाल सुपर स्ट्रक्चर को लॉन्च करना बाकी है। ये देखिए किस तरह से हैंग किया गया है, ये पूरा का पूरा मोकामा साइड का औटा घाट का है, ये देख सकते हैं। अभी फिलहाल काम चल रहा है, फिलहाल ऊपर काम किया जा रहा है, ये देख सकते हैं पूरा का पूरा। एक फ्रेम में मैं दिखाऊं आप लोग को, और लगभग 1.8 किलोमीटर का यह गंगा ब्रिज है, और इसके साथ अप्रोच रोड का भी काम चल रहा है उसका अलग से। ये देखिए सिंगल स्पेन पे खड़ा जैसे कि मैंने बताया, और किस तरह से हैंग किया गया है पिलरों में, ये देख सकते हैं। और इसमें SP सिंगला नाम की कंपनी काम कर रही है। यहाँ 01, ये देख सकते हैं यहाँ से पिलर की शुरुआत है, और यहाँ से लेकर पूरा का पूरा 18 पिलर है। और जब यह बन जाएगा तो पटना के लोगों को अगर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया जाना है तो काफ़ी सुविधा मिलने वाला है, क्योंकि एक तरफ से तीन गाड़ियाँ यहाँ पे चलेगी। और राजेंद्र सेतु पे जाम का समस्या भी बना हुआ रहता है छोटी गाड़ियों के लिए भी, इसे बड़ी गाड़ी का आवागमन राजेंद्र सेतु पर बंद है, और लोग जो अभी गांधी सेतु से जा पाते हैं और मुंगेर वाला गंगा ब्रिज ये बन जाएगा तो लोगों को काफ़ी सुविधा मिलने वाला है, क्योंकि कुछ ही घंटों के अंदर लोग पटना से पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जा सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा आप लोग को यहाँ से, यहीं से पिलर की शुरुआत हुई है, जो कि अभी फिलहाल ये मोकामा की ओर औंटा घाट का है। और ये देखिए आगे पिलर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, यहीं से 01 पिलर की शुरुआत, इसके आगे पूरा कतारबद्ध में पिलर है, इसी से पूरा का पूरा सुपर स्ट्रक्चर ले जाया जाता है। SP सिंगला वो देखने के लिए मिल जाएगा आप लोग को, प्राइवेट लिमिटेड, जो कि काफ़ी विवादों में रहा जब सुल्तानगंज का गंगा ब्रिज गिरा था तब। फिलहाल इस पर SP सिंगला नाम की कंपनी काम कर रही है, और ये देखिए पूरा का पूरा सुपर स्ट्रक्चर बनके तैयार है, और यहीं से ले जाया जाता है गंगा किनारे और सुपर स्ट्रक्चर को लॉन्च किया जाता है। किस तरह से इसको हैंग किया गया है ये सिंगल स्पैन पे, क्योंकि मैं बता दूं आप लोग को, एशिया वाइडेस्ट गंगा ब्रिज बेगूसराय एरिया की तरफ सिमरिया गंगा घाट का, और यहाँ पे
फिलहाल दो पिलरों पे सुपर स्ट्रक्चर को लॉन्च किया गया है। और मैं बताऊं आप लोगों को, जो हथदा मोकामा की तरफ है, जो पटना जिला में आता है, उधर कुछ बहुत पिलरों पे सुपर स्ट्रक्चर को लॉन्च कर लिया गया है। और उधर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, अभी फिलहाल ये देख सकते हैं, ये जो है बीच में जो है चार पिलर है, क्योंकि जल स्तर बढ़ने के कारण बीच में जो है चार पिलर है उस पर फिलहाल काम को रोक दिया गया है। और जल स्तर जैसे ही कमता है इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसको 2024 में इस काम को पूरा करना है। और ये देख सकते हैं बीच में गंगा धारा के बीचों बीच जो तीन चार पिलर है उस पर अभी फिलहाल सुपर स्ट्रक्चर को लॉन्च नहीं किया गया है। और सिमरिया गंगा घाट की तरफ दो पिलरों पर सुपर स्ट्रक्चर को लॉन्च किया गया है। ये देख सकते हैं गंगा धारा के बीच जो पिलर है, ये देखिए एक दो तीन चार, चार पिलर है, इस पर फिलहाल अभी सुपर स्ट्रक्चर को लॉन्च नहीं किया गया और काम को भी बीच में रोक दिया गया, क्योंकि जल स्तर बढ़ने के कारण। और आगे आप लोग को जो राजेंद्र सेतु दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं आप लोग सिंगल स्पेन पे खड़ा किस तरह से हैंग किया गया है सुपर स्ट्रक्चर को, ये आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। ये देख सकते किस तरह से हैंग किया गया है, ये पूरा का पूरा सुपर स्ट्रक्चर किस तरह से हैंग किया गया है। और आगे दिखाऊं, ये भी देख सकते हैं, ये फिलहाल बेगूसराय सिमरिया गंगा घाट की ओर का है। ये दिखाऊंगा किस तरह से सुपर स्ट्रक्चर को लॉन्च किया गया है। अभी फिलहाल बीच में थोड़ा बहुत ये गैप बना हुआ है, इसको लॉन्च करना है। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया दिख रहा होगा आप लोग को किस तरह से काम किया जाता है। देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जो देख रहे हैं आप लोग, इसी से सुपर स्ट्रक्चर को लाया जाता है और ये सुपर स्ट्रक्चर को लॉन्च किया जाता है। ये मैं बताऊं आप लोग को, बेगूसराय सिमरिया गंगा घाट की ओर का है। हाँ, अभी फिलहाल इस तरह से ये सब मशीन से काम किया जाता है, हैंग किया गया है ये सुपर स्ट्रक्चर को पिलर के साथ। ये देख सकते हैं पूरा पूरा हैंग किया गया है। इसी तरह से हर एक पिलर रुपए आप लोग को देखने के लिए मिल जाए। जैसे कि मैं बताऊं 32 मीटर चौड़ा यह गंगा ब्रिज है, एक तरफ से तीन गाड़ी और एक तरफ से तीन गाड़ी चलाया जाएगा इसके ऊपर से। और देख सकते हैं, और मैं बताऊं यह इसका काम का शुरुआत 2020 में किया गया था। और ये देखिए बन जाने के बाद इसको लक्ष्य रखा गया 2024, लेकिन जल स्तर बढ़ने के कारण हो सकता है 2024 से भी आगे काम को ले जाया जा सकता है। एक फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं काफी सुविधा मिलने वाला है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों को, क्योंकि यह बन जाने के बाद लोग बड़े आराम से जा सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल अगर बड़ी गाड़ी को आना जाना रहता है तो मुंगेर वाला गंगा ब्रिज और महात्मा गांधी सेतु से जाना पड़ता है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि राजेंद्र सेतु पे बड़ी गाड़ी का आवागमन बंद है अभी।